أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students. Today we are discussing about reptiles, a topic of BSc. This is new chapter. According to video, it is very important. First of all, we will discuss about the characteristics of reptiles. خصوصیات جب پڑھنے والے ہیں reptiles کی جو اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ ہمارے پاس ہے elongated literally compressed body. इसकी जो body होती है वो compressed होती है. ऊपर से अगर आप इसके body को देख लेते हैं तो ऊपर से इसके body कुछ इस तरह से होगी और नीचे से बिल्कुल ये compressed होती है इस तरह. ऊपर से इस तरह की आपकी कुछ शेप नजर आती है और नीचे जाके ये कंप्रेस हो जाती है इस तरह आपकी. पहले जो इसकी खसूसियत है वो हमने कहा है खसूसियत है elongated literally compressed body. लबूतरी होती है और नीचे से जो इसकी बॉडी होती है वो कंप्रेस होती है कंप्रेस हुई होती है. और दूसरी हमारे पास है वो है सकल विद वन ऑक्सीपिटल पोंडाइल. सकल विद वन ऑक्सीपिटल पोंडाइल. ऑक्सीपिटल पोंडाइल से क्या मुराद है इस जगह से अगर आप गौर करें तो दो यहाँ पर जोड़ होते हैं उन दो जोड़ों को आप नाम दे देते हैं ऑक्सीपिटल पोंडाइल का. पहले हमने खसूसियात पढ़ी थी elongated compressed literally compressed body. दूसरी हमने कहा कि इसकी खसूसियत होती है सकल विद वन ऑक्सीपिटल कोंडाइल. दो खसूसियत क्लियर है. और तीसरी हमारे पास है कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स. कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स से क्या मुराद होते हैं ये ऐसे स्केल्स होते हैं कैरेटिन असल में आपकी प्रोटीन है आपकी जिल्द बना रही है रिप्टाइल्स की. रिप्टाइल्स की जिल्द बनाती है फायदा क्या करती है मोटापा उसको थोड़ा दे देती है जिसकी वजह से वो वेट लॉस और गेन में थोड़ा उसको प्रॉब्लम भी होती है और दूसरा उसको कवरिंग भी करती है प्रोटेक्शन. तीन खसूसियात हमने पढ़ी. पहली पढ़ी है इलोंगेटेड लिटरली कंप्रेस्ड बॉडी. दूसरी हमने कहा है कि सकल विद वन ऑक्सीपिटल कोटाइल. और तीसरी हमने कहा है केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स. चौथी हमारे पास जो खसूसियत है वो है पेयर्ड लिम्स विद फाइव टोज. जिस तरह हमारे होते हैं ये पांच है आपको एक दो तीन चार पांच इस तरह इनके जो पांव होते हैं वो पेयर्ड होते हैं जोड़ों की शक्ल में मतलब दो होंगे या चार होंगे छह होंगे इस तरह मतलब पेयर्ड होंगी इनके लिम्स टांगे और उनमें जिस जैसे हमारी पांच उंगलियां हैं उनमें भी पांच ही उंगलियां होंगी. इलोंगेटेड लिटरली कंप्रेस्ड बॉडी सकल विद वन ऑक्सीपिटल कोटाइल केराटिनाइज एपिडर्मल स्केल्स और चौथी है हमारे पास पेयर्ड लिम्स विद फाइव टोज. पांचवी हम सूचियां पढ़ने वाले हैं वो है रिब केज. रिब केज का क्या मतलब होता है रिब केज जिस तरह हमारा पसलियों का जोड़े हैं पसलियां आगे तो निकली हुई हैं इस तरह इसको भी इनके भी है रिब केज पाए जाते हैं. सातवें नंबर पे हमारे पास है एक्सक्रीशन बाय मेटामॉर्फिक किडनी. किडनी तो सिंपली हमें पता है कि जैसे हमारे जानदारों के हिसाब में पाई जाती है लेकिन इनमें खास किस्म की किडनी होती है जो कि ट्यूब्स की शक्ल में पाई जाती है ट्यूब्यूलर होती है उसको आप मेटामॉर्फिक किडनी कह देते हो. जो आपकी रेप्टाइल्स की किडनी है वो मेटामॉर्फिक है. मेटामॉर्फिक क्यों कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब की शक्ल में होती है ट्यूब्यूलर फॉर्म. ट्यूब्यूलर फॉर्म होती है इसलिए आप इसको कह देते हो मेटामॉर्फिक किडनी. इलोंगेटेड लिटरली कंप्रेस्ड बॉडी सकल विद वन ऑक्सीपिटल कोटाइल केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स पेयर्ड लिम्स विद फाइव टोज और पांचवें नंबर पे बोनी स्केलेटन. इसका जो स्केलेटन होता है इसका जो ढांचा होता है वो बोन्स का बना होता है. कार्टिलेज भी होती है लेकिन ज्यादातर ये बोन्स का बना होता है हड्डियों का होता है. और छठे नंबर पे हमने सूचित किया कि इनमें रिब केज होता है पसलियां होती है इनमें. और सातवें नंबर पे हमने कहा कि जो इनमें एक्सक्रीशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट को जो ये एक्सक्रीट करती है वो होती है किडनी के जरिए और किडनी खास किस्म की होती है मेटामॉर्फिक किडनी. आठवें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है. इंटरनल कैसे होती है हमने एक्सटर्नल और इंटरनल में थोड़ा फर्क देखेंगे. इंटरनल जो जानदार के जिस्म के अंदर ही होती है और एक्सटर्नल जो वाटर वगैरह में होती है और इनमें इंटरनल ही पाई जाती है. और दसवें नंबर पे हम पढ़े सेपरेट सेक्शन डाइगेशियस होते हैं मेल अलहदा होते हैं फीमेल अलहदा होते हैं अलग अलग इसमें होते हैं. उसके बाद हमारे पास ग्यारहवें नंबर पे है एमनियोटिक एग्स.
एमनियोटिक कौन से होते हैं? एमनियोटिक ऐसे हैं जिनके बाहर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। अगर आपके पास ये एग है, सिंपली एग के बाहर अगर ये प्रोटेक्टिंग कवर है तो आप इसको एमनियोटिक कह देंगे, अगर ये नहीं है तो आप इसको एनएमनियोटिक कह देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसका सिंपल होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। 13वें नंबर पे हमारे पास है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल असल में ये नर्व निकला आपका क्रेनियम से, क्रेनियम कहते हैं दिमाग की हॉल को। इस वजह से इनमें जो आपकी होती है नर्व होती है क्रेनियल, वो 12 होती है, 12 जोड़े होते हैं। अगर सिंपली कहें तो 12 जोड़े होते हैं और ये 24 हो जाती है, 12 जोड़े और 24 होती है सिंगल सिंगल। 14वें नंबर पे हमारे पास है इसके, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसके टोटल जो ऑर्डर है वो 17 बनते हैं, 17 ऑर्डर इसके हैं। और एंड में हम इसकी अगर एग्जांपल देखें, क्रोकोडाइल वगैरह, मगरमच्छ वगैरह और सांप वगैरह इसकी सिंपल एग्जांपल है। ये हमारा जो टॉपिक है ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, इसको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें पढ़ी है कि इलोंगेटेड लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि इसका जो स्कल होते हैं वो आपने कहा कि ये होते हैं वर्ड ऑफ स्पिनल क्रोकोडाइल। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि इनकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो केराटिन की बनी होती है, केराटिनाइज एपिडर्मल स्केल होती है। और अगर हम इसके लिप्स टांगों की बात करें तो इसमें दो जोड़े होते हैं, और हर जोड़ा मतलब कि हर टांग में हर पांव के साथ आपने कहा कि पांच पांच उंगलियां होती हैं। छठे नंबर पे हमने कहा कि इसमें हड्डियों, इसमें जो रिब केज पाया जाता है बोनी स्केलेटन होता है, एक्सक्रीशन किडनी के अंदर ही होती है लेकिन ये किडनी मेटामॉर्फिक होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, सेपरेट सेक्शंस होते हैं, एमनियोटिक एग्स होते हैं। अच्छा नर्वस सिस्टम सिंपल सा होता है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं और इसके ऑर्डर 17 होते हैं। और एग्जांपल हमने कहा कि क्रोकोडाइल वगैरह है और स्नेक्स है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।